अचार का मसाला बनाने के लिए हमने लिया है सूखा खड़ा धनिया 250 ग्राम और 100 ग्राम लिया है पंचफोरन। पांच चीज़ों से यह बना होता है, इस वजह से इसको पंचफोरन कहते हैं। इन पांच चीज़ों में सौंफ, मेथी, मंगरैल, राई और जीरा होता है। तो पंचफोरन को हमने 100 ग्राम लिया है, सूखा खड़ा धनिया को 250 ग्राम लिया है। पंचफोरन की मात्रा हमें कम रखनी है, क्योंकि अगर हम पंचफोरन की मात्रा अधिक रखेंगे तो हमारा अचार का मसाला कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए पंचफोरन 100 ग्राम लिया है और 250 ग्राम सूखा खड़ा धनिया लिया है। यदि आपके यहाँ पंचफोरन इस तरीके से ना मिलता हो तो इन पांचों चीज़ों को अलग अलग आप ले सकते हैं, जिसमें सौंफ, मेथी, मंगरैल, राई, जीरा, इन पांचों चीज़ों को अलग अलग आप ले सकते हैं और मसाला बना सकते हैं। तो हमने पंचफोरन ली है क्योंकि हमारे यहाँ यह बहुत आसानी से इस नाम से मिल जाता है और यह तड़के के भी काम आता है। इसका हम सब्जी में तड़का भी लगाते हैं, इस वजह से हमारे यहाँ यह पंचफोरन आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने पंचफोरन और धनिया लिया है। अब हमने गैस को जला लिया है और लो फ्लेम पर सबसे पहले धनिया को भून लेना है। तो यहाँ पे मैं धनिया को भून रही हूँ, फ्लेम को लो रखा हुआ है और लगातार चलाते हुए हमें धनिया को भूनना है। धनिया को हमें तब तक भूनना है जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए और इसमें से सोधी सोधी खुशबू न आने लगे। तब तक हमें धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इस धनिया को भूनना है। तो धनिया हमारा लगभग भून चुका है, इसमें से सोधी खुशबू आने लगी है और धनिया को हम एक अलग थाली में निकाल लेते हैं। उसके बाद उसी बर्तन में हमें पंचफोरन भूनना है। तो यहाँ पे मैं पंचफोरन भून रही हूँ और इसको भी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसमें से सोधी सोधी खुशबू ना आने लगे और जो हमारा राई है वह चटकने ना लगे। तो मैं यहाँ पे लगातार चलाते हुए पंचफोरन को भी भून ले रही हूँ और इधर धनिया हमारा ठंडा हो रहा है, क्योंकि जब यह ठंडा हो जाएगा तभी हमें मिक्सी में इसको पीसना है। तो यहाँ पे पंचफोरन हमारा भून रहा है और धीरे धीरे इसको चलाते हुए, लगातार चलाते हुए मैं इसको भून ले रही हूँ और हमारा पंचफोरन भी अब लगभग भून करके तैयार हो गया है। इसमें से भी सोधी खुशबू आने लगी है और राई चटकने लगा है। तो अब इसे मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी और इसे भी ठंडा होने दूँगी। जब यह ठंडा हो जाएगा तब हमें मिक्सी में इसको पीसना है, दोनों को अलग अलग पीसना है। तो यहाँ पर पंचफोरन लगभग भून के तैयार हो गया और अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है पंचफोरन। इस तरीके से यह भुना होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्वाद में फ़र्क आ जाएगा। तो पंचफोरन भून के तैयार हो गया और धनिया भी भून के तैयार है। तो चलिए अब इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले धनिया पाउडर पीस लूँगी। यह धनिया पाउडर पीस करके तैयार हो गया है और इसे हमें न ही बहुत महीन पीसना है और न ही बहुत दरदरा पीसना है, बीच का हमें इसे पीसना है। तो यहाँ पे धनिया पाउडर पीस गया है और यह पंचफोरन पीस गया है, इसे भी हमें मीडियम ही पीसना है, न ही अधिक दरदरा हो और न ही अधिक महीन हो। तो अब हम दोनों को एक में मिला लेंगे, धनिया पाउडर और पंचफोरन पाउडर को, और इसे अच्छी तरीके से मिला करके किसी सूखे डिब्बे में इसे हम भर देंगे। तो अच्छी तरीके से मैं इसे मिला ले रही हूँ। मिलाने के बाद इसे किसी सूखे डिब्बे में भर के रख दूंगी और जब हमें किसी भी चीज़ का अचार बनाना होगा तो यह अचार का मसाला बन करके तैयार हो गया है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जब हमें आलू की, बैंगन की या भिंडी की किसी भी चीज़ की कलौजी बनानी होती है तब
इसी मसाले का इस्तेमाल होता है कलौजी बनाने में भी और अचार बनाने में भी। और यह मसाला झटपट बन करके तैयार हो जाता है और किसी भी चीज़ का अचार बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनता है इस मसाले से। बस इसमें चार चीज़ें और मिलानी होती हैं, नमक मिलाना होता है, रेड चिली पाउडर, मैंगो पाउडर और अजवाइन मिलाना होता है और सरसों का तेल। अब इन चीज़ों को मिला करके हम किसी भी चीज़ का अचार बना सकते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको अचार कैसा लगा, अचार का मसाला कैसा लगा और आपका अचार कैसा बना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।